हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक, टेस्टी और बहुत ही यमी अंडे का पकौड़ा। ये खाने में सुपर टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ान के लिए। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से यूनिक, सिंपल एंड टेस्टी अंडे का पकौड़ा। तो सबसे पहले हम बेसन बना के तैयार कर लेंगे, जो उसकी कोटिंग है। उसके लिए मैंने 1.25 कप के ऊपर बेसन लिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च लिया है। नमक हमने ऐड कर लेना है, बेसन के हिसाब से ऐड कर लेंगे। तो आधा छोटा चम्मच ऐड किया था मैंने। और 1 पाव चम्मच के आसपास हम इसमें ऐड कर देंगे खाने वाला सोडा, यानी कि कुकिंग सोडा। ये इसको फुलाने के लिए मदद करेगा। बस इसको बहुत अच्छे से आपने सबसे पहले मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आधा कप ही पानी ऐड किया है। सारा पानी एक साथ ऐड करने से इसमें बहुत बड़े बड़े गांठे पड़ जाएंगी, जो फिर आपको मिक्स करना बहुत मुश्किल होगा। तो बस इसको पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही इसमें आप मिक्स करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें और कितने पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। तो टोटल मैंने 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया था। मैंने बैटर मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाया था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसको 3 से 4 मिनट फेंट लिया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। इस तरह से इसको कवर कर लेंगे और इसको साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 4 अंडे लिए हैं और 4 ही मैंने आलू लिए थे। साथ में मैंने लिया है 6 से 7 कलियाँ लहसुन की, 6 से 7 हरी मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। इसको हमने ग्राइंड कर लेना है और इस तरह से इसका हम दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। आलूओं को मैश कर लेते हैं। तो फोक से मैश करने से इसमें अगर कोई अंदर लंप रह जाता है तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर कोई गांठे नहीं रहे। तो बस ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाला। तो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने मोटा मोटा कूटा था मिक्सर में, वो ऐड कर दिया है। नमक ऐड कर लेंगे आलू के हिसाब से, आधा छोटा चम्मच मैंने ऐड किया था। इसके साथ हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच के आसपास हल्दी और ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तेज़ थी तो आप स्किप कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। जो भी गरम मसाला आपके घर में अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। और खूब सारा हरा धनिया चॉप करके ऐड किया है। अब इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, ताकि मसाले बहुत अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर इसको हाथों से, जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरह से, मसल मसल के गूंद लिया है और इसको बहुत अच्छे से मैंने चिकना कर लिया है। आप चाहें तो सारे मसाले थोड़ा सा तेल में भून कर फिर आप आलू में भी ऐड कर सकते हैं, ये एक दूसरा ऑप्शन है। मैंने कच्चा ही ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने जो अंडे लिए थे, अंडों को हमने इस तरह से आधा पोर्शन में कट कर लेना है, ये देखिए कुछ ऐसे। तो इसको आपने बराबर आधा कर लेना है, जैसे इसका योक जो है वो बराबर सेंटर में आ जाए ऐसे। तो सारे मैंने ऐसे ही कट करके यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। और हमारे आलू का मिक्सचर भी रेडी है। तो 1 छोटा सा टुकड़ा मैंने इस तरह से ले लिया है, एक बॉल, और इस तरह से मैंने उसके आधे पोर्शन पे लगा लिया है और ये पूरा अंडा बनके तैयार है। तो इसमें आधा अंडा है और आधा हमने आलू की फिलिंग की है। तो बस इसको अच्छे से आपने शेप कर लेना है, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और उसकी शेप भी परफेक्ट आ जाए। अगर हाथों पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल हाथों पे ग्रीस कर ले और फिर आपने उसको इस तरह से शेप दे देना है। आप चाहें तो इसको आप हाथ के ऊपर आलू को अच्छी तरह से प्रेस करके फैला दें और उसके अंदर आप अंडे की स्टफिंग भी कर सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है। बट मैंने आज इसको इसी तरह से बनाया है। तो आधे हिस्से में अंडा है और आधे हिस्से में आलू। ये आलू का मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप बटाटा वड़ा खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बस सब हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। अब ये जो आलू बच गया है, इसका मैं थोड़ा सा बटाटा वड़ा बना दूंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो बस अब ये रेडी हो गया है, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो मिक्सचर बनाया था बेसन का, उसको मैंने रेस्ट किया था। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल जो गर्म करने के लिए रख दिया था, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छे से फूलता है और क्रिस्पी भी बनता है। इसको कम से कम 1 मिनट के लिए अच्छे से फेंट ले। ये देखिए इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और आपने इसके अंदर इसको इस तरह से अच्छी तरह से लपेट लेना है, ताकि हर तरफ से
ये अच्छे से कोट हो जाए और फिर इसको आपने ऐड कर लेना है ऑयल में। आप चाहें तो थोड़ी सी कोटिंग इससे थिक भी रख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कोटिंग बेसन की थिक नहीं रखी है। तो बस जितना आ जाए उतना आप ऐड कर लें। एक टाइम पे मैंने 3 से 4 ही ऐड किया था, बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड करने से ये फूट सकता है। बस आपने ध्यान रखना है कि अच्छे तरह से ये कोट हो जाए हर तरफ से। कुछ टाइम के बाद इसको आपने पलट लेना है और इसको हम दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर जो है ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। मैंने इसको 2 बार फ्राई किया था, जैसे ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर इसको ड्रेन करके मैंने निकाल लिया था बाहर। इसको एक प्लेट पे हम निकाल लेते हैं। तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं, जब आपने इसको गरम गरम खाना है उस वक्त आपने इसको एक बार फिर से फ्राई कर लेना है, इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और अभी मैंने तेल फिर से गरम कर लिया है और सारे पकोड़े मैंने एक साथ ही ऐड कर लिए हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर आपने अलट पलटते हुए थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लेना है। मैंने इसको पहले लाइट ब्राउन ही निकाला था, ऐसा करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, ऊपर की कवरिंग बहुत ही क्रिस्प हो जाती है। ये देखिए आपको देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो गया है और ऊपर से क्रिस्प हो गया है और ये काफ़ी देर तक क्रिस्प भी रहते हैं ऐसे। तो बस ड्रेन कर लिया है मैंने सारा और इसमें हम निकाल लेंगे इसको बाहर। तो तैयार है बहुत ही टेस्टी अंडा पकौड़ा। मैं इसको आपको कट करके भी दिखा देती हूँ अंदर से। आप इसको सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ, ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।